जाए। दोनों दरवाजे बंद हो गए, अब क्या करें? अरे तीसरा दरवाजा तो खुला है। कौन सा? अकल का बेवकूफ, अकल का। पापा जी, जी इस गली में मकान किराए पे मिलेगा? अरे इस गली में तो क्या, पूरे गांव में तुम्हें कहीं पर किराए पर मकान नहीं मिलेगा। क्यों पापा जी? अरे कह दिया ना, नहीं मिलेगा। चले आते हैं पता नहीं कहां कहां से। कखी, बाकी सब तो फिल्म के जूनियर आर्टिस्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लग रहा है। अरे भाई धुआ प्रसाद जी, कैसे हो, क्या हाल चाल है? आप कौन है महाराज? आपका नाम धुआ प्रसाद है ना? किसने कहा, कौन कहता है? अरे भाई, हाथ में गदा होती तो भीम कहते, पूछ होती तो हनुमान कहते, हाथ में सिगरेट है इसलिए धुआ प्रसाद बोल रहे हैं। ये महाराज, मेरा नाम बल्ली है, बल्ली। अरे बल्ली हो या फल्ली, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो आपको ये बताना चाहता था, चलिए होटल में चलते हैं। याद है पिछले महीने हम लोग वैष्णो देवी मिले थे और वहाँ जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी की बोलियां लगाई थी। लेकिन महाराज मैं तो वैष्णो देवी कभी गया नहीं। या क्या फर्क पड़ता है, चलिए बैठिए बैठिए बैठिए। और कटरा में बैठकर हमने बूंदी के लड्डू खाए थे। अरे भैया जरा लड्डू लेकर आना। ओ महाराज लड्डू मत मांगो, मैं खा नहीं सकता, मेरे को शुगर की बीमारी है। शुगर की बीमारी? हाँ महाराज, तीखा खाता हूँ तो अल्सर हो जाता है, खट्टा खाता हूँ तो खांसी हो जाती है, नमक खाता हूँ तो बीपी बढ़ जाती है, आइसक्रीम खाता हूँ तो जुकाम हो जाता है, और कोल्ड ड्रिंक्स पीता हूँ महाराज तो दबा हो जाता है। इतनी सारी बीमारियाँ फिर भी सिगरेट पीते हो? सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। क्या करूँ महाराज, सिगरेट का धुआं ही मेरा ब्रेकफास्ट है, मेरा लंच है, मेरा डिनर है, दमा होने के बाद भी इसके सुट्टे मारता रहता हूँ महाराज। राजा मैकर मिल गया। वो कैसे? इसको इतनी सारी बीमारी है, बहुत जल्दी ऊपर जाएगा, जैसे ऊपर जाएगा वैसे हम इसके घर में घुस जाएंगे। हस क्यों रहे महाराज, टॉपिक क्या है? टॉपिक ये महाराज कि हमें यहाँ कोई रहने के लिए मकान क्यों नहीं दे रहा? ओ महाराज आप जानते नहीं है, आपके मावाजी और चाचा ने सबको वार्निंग दे रखी है कि जिसने भी आपको यहाँ रहने को जगह दी उसकी खैर नहीं, इसलिए समझने वाली बात यह है महाराज कि जैसे आप यहाँ आए वैसे यहाँ से वापस चले जाए, इसी में आपकी खैरियत है। चलता हूँ महाराज। जय राम जी। Attention! Attention both the families! अगर आप लोग जिद्दी हैं, तो मैं भी जिद्दी हूं। मेरी रगों में भी आप लोगों का ही खून दौड़ रहा है। अगर आप लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया, if you don't accept me, तो मैं इसी मोहल्ले में, इसी गली में डेरा डाल के बैठा रहूंगा। ये मेरा चैलेंज है। सॉरी, थोड़ा इमोशनल हो गया। सुन लिया आप लोगों ने? वो राजा भैया घर के बाहर ही बैठे हैं। घर के बाहर ही बैठे हैं? तो हमें से क्या, हमें से क्या? तुम जाओ अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। बहू इधर इधर जल्दी आ जल्दी, तुम जरा पापड़ देखो, मैं छत पर जाकर देखती हूँ बढ़िया सूखे कि नहीं। बैठ 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 बैठ। जी, इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? जी वो मैं चांद के टुकड़े को देखने आई थी। चांद का टुकड़ा? हाँ, मेरा मतलब है आज पूर्णमासी है ना, मैं चांद देखने आई थी। ओ भगवान ने, पूर्णमासी तो 10 दिन के बाद है और चांद रात को निकलता है, तेरा दिमाग खराब हो गया है, क्या देख रही है तू? चल अंदर। चेक करने गया था कि बाहर का दरवाजा बंद है कि नहीं, चेक कर लिया, दरवाजा बंद है। बाहर का दरवाजा बंद हो या ना हो,
अपने दिल का दरवाजा बंद करना पड़ेगा आपको। बहुत धासु डायलॉग बोल के गया है तेरा बेटा। मुंह बंद कर दिया आपका। अरे पगली बच्चे को लेके बाहर बैठी है। 8 बजने को चल अंदर। ओए सेठ दुकान बंद कर 8 बजने को। ओए ओए ढाबा बंद कर 8 बजने को। 8 बजने को ढाबा बंद कर। ओए तुम लोग ताश खेलना बंद करो 8 बजने को। अरे चलो भागो यहाँ से 8 बजने वाले हैं। अरे चलो भागो। वैसे एक मिनट, ये सब लोग लड़के भाग क्यों रहे हैं? बात क्या है? अरे बात कुछ नहीं है। 8 बजे गुम्मन सिंह राठौर गाना गाने वाले हैं। हमारी सामत आने वाली है। मुझे छोड़ दो, मेरे भी बच्चे घर में अकेले, मुझे जाने दो। लकी, लोगों को चाकू से डराते हुए देखा, बंदूक से डराते हुए देखा है, लेकिन गाना गा के डराते हुए पहली बार देख रहा हूँ। कौन हो सकता है? क्या आवाज है! उठो। वाह क्या गाना था! ये गाना था वाह 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 वाह। लेकिन गुरुदेव आप रो क्यों रहे हो? रोना तो हमें चाहिए। क्या बताऊं बच्चों, आज जिंदगी में पहली बार मेरे संगीत को समझने वाला मेरी चौखट पे आया है तो मेरे दिल का पैमाना छिलक उठा और आंखों से आंसू बहने लगे। आप महान हो गुरुदेव, आप महान हो। मुझे जाने दो। अपने बारे में बताओ बच्चों, तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो, क्या चाहते हो? गुरुदेव मेरा नाम लकी अय्यर, इंडिया का पहला अय्यर जो बहुत लकी है। लकी अय्यर, शक्ल सरदार की, आवाज मद्रासी की, तुम नॉर्थ इंडियन हो या साउथ इंडियन? गुरुदेव मेरे मदर नॉर्थ इंडियन, फादर साउथ इंडियन और मैं कंप्लीट इंडियन। तुम्हारा दोस्त काफी बोर है। हाँ मेरा मतलब गुम्मन सिंह जी, हम लोग सुबह से इस गली में किराए के मकान के लिए भटक रहे हैं। क्या तुम्हें मकान देने से इनकार किया गया? हाँ गुरुदेव। किसने इनकार किया? नाम बताओ उसका। हम अभी भैरा गाकर उसकी जिंदगी में तहलका मचा देंगे। कौन है? मैं पूछता हूँ कौन है, जरा अपना नाम तो बताओ। किसने मेरे चेलों को मोहल्ले में मकान देने से इनकार किया? एक बात कान खोल के सुन लो तुम लोग, आज के बाद मेरे चेले मेरे मकान में रहेंगे और हर रोज मेरा गाना सुनेंगे। सुनो बच्चों, ये बच्चे कहाँ गए? आप लोग थोड़ा पास पास आ जाइए। लॉरेंस कम क्लोजर। वेरी गुड, कम क्लोजर, वेरी गुड। एवरीबॉडी स्माइल प्लीज। क्या कर रहे हैं आप लोग? शो इट टू मी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। It's my birthday today. I came to take your blessings, Grandpa. I got some chocolate pastries for all of you all. Florence! खबरदार, जो हमारे लोगों के पास आने की कोशिश भी की, हमारे मुंह से तेरे लिए ब्लेसिंग्स नहीं सिर्फ बददुआएं निकल सकती हैं। वॉचमैन, व्हाई डू यू अलाउ सच पीपल टू कम इनटू द कंपाउंड ऑफ द चर्च? सर गेट आउट। बाबूजी हर 10 दिन के बाद इस खटारे को ठीक करने के लिए बैठ जाते हो, बेच के नहीं देते? पुत्र खटारा मत कैसे, ये तो मेरे जवानी का साथी है। और खरीदेगा कौन इस मॉडल को, तेरा बाप? जैसी मामा जी, आज मेरा जन्मदिन है, सोचा मिठाई देकर आप लोगों का आशीर्वाद ले दूं। बल्ली जी महाराज, अंदर जाओ वो लेकर आओ। क्या महाराज? महाराज जैसा कह रहे वैसा करो, जाओ। पीछे लीजिए ना मामा जी। रुको रुको रुको, इतनी जल्दी भी क्या है, वो आशीर्वाद के लिए मैंने भी अंदर से प्रसाद मंगवाया। तो आज तुम्हारा जन्मदिन है।
जी मामा जी। जन्म के हिसाब से राशि क्या है? हिंदू में मिथुन और अंग्रेजी में जेमिनाई। मिथुन मतलब डबल पर्सनालिटी, दोहरी शख्सियत है ना। महाराज ये क्या है मामा जी? गंगा जल? जहर। मामा जी, मामा जी के बच्चे, तेरी माँ ने हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिलाया, तेरे बाप ने हमारी इज्जत उछाली, ऐसे लोगों की औलाद के हाथों से मिठाई खाना जहर खाने के बराबर है, समझे तू? अरे वो कौन सी हमारी जायदाद मांग रहा था, आशीर्वाद ही तो मांग रहा था, दे देते। मैं कहती हूँ ना, इस घर में कुछ भी ठीक नहीं है। बस क्या हुआ माँ जी? तुम एक काम करो, घर संभालो, मैं तो चली। लेकिन कहाँ? मंदिर जाकर राजा की लंबी उम्र के लिए प्रसाद चढ़ा कर आती हूँ। दादाजी पूछेंगे तो कह देना ब्यूटी पार्लर गई हूँ। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।